नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पांचवी रो में बैठे या पचासवीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी है और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पांचवी रो में बैठे या पचासवी रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही पांचवी रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो पांचवी रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमन, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत ये है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पांचवीं रो में बिठाइए या पचासवीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया।